एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक कार एक्सीडेंट देखते हैं जो कार अचानक से जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है और कार के अंदर एक लड़की होती है जो कि काफ़ी अच्छे से आज तैयार होती है पर अभी एक्सीडेंट की वजह से वो पूरी की पूरी खून में लथपथ होती है, वहीं रोड पर पड़ी हुई होती है। तभी अचानक से उसके पास में एक लड़का आता है जो कि उसके ब्लड को टच करता है, उसे हल्का पीता है और फिर पता नहीं क्या होता है कि वो आकर सीधे उसे किस कर देता है और उसके किस करते ही वो लड़की के जितने भी घाव होते हैं वो सारी चीज़ें हील होने लग जाती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग पहुँच जाते हैं जो कि उसे उठाकर जाने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का भी होता है जिसका नाम कि जाओ होता है, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और वो बार बार उस लड़की को सॉरी सॉरी कह रहा होता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद हम इस एक्सीडेंट के कुछ समय पहले का समय देखते हैं जहाँ कि हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि दरअसल में जिंग होता है। जिंग काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस होती है, वो हर एक ड्रामा की सेकेंड फीमेल लीड होती है और यहाँ पर वो अपने बचपन के फ्रेंड जो कि असल में उसका सेवेंथ बॉयफ्रेंड होता है इस समय, वो उसे प्रपोज़ करने वाली होती है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ ही होता है। वहाँ पर वो जाओ को प्रपोज़ करती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो भी उसके इंडस्ट्री के पॉपुलर फ्रेंड्स होते हैं और जो भी लोग उसके करीब होते हैं सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, पर जाओ उसे साफ साफ वहाँ पर मना कर देता है। वो जाओ से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और जाओ भी तो उसे पसंद करता है, फिर वो उसे मना क्यों कर रहा है। पर जाओ कहता है कि वो उसे पसंद करता था पर वो हमेशा उसे अपनी बहन समझता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब ये सुनकर तो बेचारी जिंग के होश ही उड़ जाते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, इसीलिए वो एक बिल्डिंग की छत पे चली जाती है और कहती है कि आज मैं यहाँ से कूद ही जाऊँगी। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि मैम अभी बताओ क्या हुआ, आप तो हमेशा ऐसे ही पहुँच जाती हो पर कभी कूदते ही नहीं हो, इस बार आप कूद ही जाओ। इसलिए वहाँ पर जिंग उसे कहने लग जाती है कि तुम भी चाहते हो कि मैं कूद जाऊँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कूदूंगी। फिर वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को ये सारी कहानी बताने लग जाती है और वो फिर बताती है कि यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये बोला कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है। और ये सुनकर उस बॉडीगार्ड को भी हंसी आने लग जाती है क्योंकि ये एक बार नहीं बल्कि 7 बार ऐसा जिंग के साथ में हो चुका था। और फिर वहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी चला जाता है, वो कहता है कि अगर आपको कूदना है तो आप कूद ही जाओ, आपकी ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब है। पर यहाँ पर जिंग कूदती नहीं और वो बाहर आ जाती है और कहते हुए जा रही होती है कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि न्यूज़पेपर में ऐसा आए कि डम होने की वजह से वो कूद गई है। और यहाँ पर वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी और अपनी गाड़ी से जाते वक्त ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं दूसरी ट्रक में दो लोग होते हैं, एक तो ड्राइवर और एक उसके साथ में उसका एक हेल्पर होता है, और इसके साथ साथ वो लोग एक बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं जो कि किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ था काफ़ी समय से और अभी इसके ऊपर में कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि क्यों लिंग की होती है, जिसको कि हमने शुरुआत में देखा था एक्सीडेंट होने के बाद में वो दरअसल जिंग के ब्लड की वजह से ज़िंदा हो पाया था। ये 400 साल पुराना ह्यूमन था जो कि कोई वैम्पायर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि इसके पास तो बहुत सारे सुपर पावर्स होते हैं। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और किसने उसे 100 साल पहले मार के उसके सारे खून को निकालकर उसे बहुत ही गहरे एक समुंदर में फेंक दिया था ताकि वहाँ से इसे कभी भी डिस्कवर ना किया जा सके, और अभी इतने साल के बाद में वो ज़िंदा हुआ है। ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहता है कि दरअसल आखिर किसने उसके साथ में ये किया। यहाँ पर जिंक के खून की वजह से वो ज़िंदा हुआ था, इसीलिए उसने उसे किस कर दिया क्योंकि किस करने की वजह से उसके पावर से वो ठीक हो जाती और इसी वजह से जिंक ठीक भी हो पाई। अभी वो हॉस्पिटल में 3 महीने से होती है जहाँ कि उस ट्रक का ड्राइवर उसके साथ में उसका हेल्पर तो मारा जा चुका था, बस जिंक ही बची थी और जिंक को बहुत कम चोट थी। दरअसल लोगों को तो यही लग रहा होता था क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं था कि उसके घाव पहले कितने ज़्यादा खतरनाक थे, वो तो सारी चीज़ें क्यूलिंग की वजह से हो पाई थी, क्यूलिंग ने उसे ठीक कर दिया होता है। और अभी वो घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है, उसकी माँ मुझसे मिलने के लिए भी हॉस्पिटल में आती है जो कि उसे कहती है कि अभी घर चलो काफ़ी समय हो चुका है, पर क्यूलिंग कहती है कि उसे घर नहीं जाना, वो तो हॉस्पिटल में आराम करना चाहती है, वहाँ की नर्स भी उसे फेडअप हो चुकी। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि अभी वहाँ पर इस मॉडर्न ज़माने के कुछ कपड़े चुराता है एक घर से और उसे पहनकर बाहर आता है। वो सारे लोगों की सारी बातें दूर से ही सुन सकता था और वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास में सुपर पावर्स भी होते हैं। तभी अचानक से उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है, दरअसल ये जिंक की वजह से होता है। जब भी जिंग और क्यूलिंग एक दूसरे के आसपास होते हैं तो इनकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब क्यूलिंग उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उसकी ब्लड से ये ज़िंदा हुआ था और इसके किस की वजह से वो अभी तक ज़िंदा थी। अब वो उसे हॉस्पिटल में देखता है तो जिंग डर के मारे चिल्लाने लग जाती है कि कोई है कोई है। नर्सेज आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और सबको लगता है कि जिंग ये जानबूझ के कर रही है ताकि उसे हॉस्पिटल से जाना न पड़े। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्यूलिंग वहाँ चला जाता है और दूर से वो यही सोच रहा होता है कि आखिर कुछ तो मिस्ट्री ज़रूर है, जिंग के खून की वजह से वो ज़िंदा हुआ है। वो कहता है कि उसे पता लगाना पड़ेगा कि इस लड़की और उसमें आखिर कनेक्शन क्या है, आखिर क्यों वो उसके खून की वजह से ज़िंदा हो पाया है। दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं जिसका नाम कि ये चान होता है। दरअसल ये चान वहाँ पर उसी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था, क्यूलिंग की बॉडी पर, और अभी जब वो बॉडी ही गायब हो चुकी है तो वो सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे।
वो वहाँ पर ऑफिसर को भी कॉल करता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ ही होता है। वो ऑफिसर से कह रहा होता है कि ज़ाओ मुझे जल्दी से जल्दी वो बॉडी चाहिए, किसी भी तरीके से तुम पता लगाओ वो कहाँ पर है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट था, मुझे उस पर एक्सपेरिमेंट करना था। पर उससे ज़ाओ सीधे कहता है कि उसे नहीं पता वो बॉडी कहाँ है, और अगर वो कहीं होगा अभी तो शायद वो उसे ढूंढ ना पाए। वो कोशिश कर रहा है पर उसके बारे में थोड़ी सी भी कहीं पे भी कुछ भी प्रूफ नहीं है। उसी रात फिर हम जिंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है, तभी उसे केक खाने का मन होता है, इसलिए वो बाहर जाती है। पर वहाँ पर उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हॉस्पिटल के गेट पर ही होते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जा पाती। तो वो सोचती है कि क्यों ना हॉस्पिटल के पीछे वाले दीवार को फान कर वो बाहर चली जाए, पर जाते समय वो वहाँ पर एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी वहाँ पर क्यूलिंग आ जाता है, तो उसे जब किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो जिंग उसे मदद मांगती है। तो क्यूलिंग कहता है कि आंखें बंद करो फिर मैं मदद करूँगा। अब वो जब आंखें बंद करती है तो क्यूलिंग सीधे उस गड्ढे में जाता है और उसे पकड़ कर ऊपर निकाल देता है और वहाँ से गायब भी हो जाता है। जिंग को तो समझ ही नहीं आता कि किसने उसकी इतनी जल्दी से हेल्प कर दी, पर फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती। अब वो डिस्चार्ज हो जाती है और घर पहुंचती है, जहाँ की उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि दरअसल इसी वियर्डो ने उसे किस किया था रोड पर, ऐसा एक आदमी ने वहाँ पर देखा। अब ये सुन के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, वो चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि कोई ऐसे कैसे उसका फर्स्ट किस ले सकता है। दरअसल उसके अभी तक 7 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर उसने हमेशा से एक रूल बना कर रखा था कि जब वो 3 महीने तक एक साथ मिलेंगे तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, और अगर 6 महीने से ज़्यादा साथ रहे तब वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं। और इसी वजह से बाकी के सारे बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा भी होता था, क्योंकि वो कभी भी किसी को टच करने नहीं देती थी या फिर खुद के करीब आने नहीं देती थी। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसे किस किया है तो वो बहुत गुस्सा होती है। फिर वो बाहर जाकर बैठी हुई होती है, तभी उसे बहुत सारे वहाँ पर लेटर्स मिलते हैं। जब वो अपने डैड को दिखाती है तब उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल का बिल तो उसके प्रोड्यूसर ने भरा ही नहीं, और इस वजह से सारे पैसे इसके ही लगे हैं। इसलिए वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अभी तो उसे काम पर जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को भी देखते हैं जो कि अभी उसे लेबोरेटरी में पहुँचता है, ये चांद के लेबोरेटरी में। वहाँ पर वो उस अपने बारे में पता कर रहा होता है कि दरअसल ये लोग क्यों उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पर उसे वहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता और वो वापस आ जाता है। वो उसी रात वहाँ पर जिंक के घर पे भी जाता है और जिंक का डोरबेल भी बजाता है। वहाँ पर जिंक जब बाहर आती है तो उसे लगता है कि शायद फिर से यहाँ पे जाओ आया होगा, क्योंकि वो दिन में भी उसे पूछने के लिए आया था उस बॉडी के बारे में, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना, तो छोटी बहन से मत पूछो ज़्यादा कुछ, उसे कुछ भी नहीं पता। फिर वहाँ पर वो बाहर में जाकर जब खड़ी होती है तभी अचानक से उसे क्यूलिंग भी दिखता है, तो उसे देखते ही जिंक रह जाती है, उसे वो काफ़ी पसंद आता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर ये चांद भी पहुँच जाता है। ये चांद उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि उसने एक बहुत ही हैंडसम से लड़के को देखा है। तो ये चांद उसे कहता है कि वो यहाँ पर बॉडी के बारे में पूछने के लिए आया हुआ है। तभी वो कहती है मुझे अपने 6 एक्स बॉयफ्रेंड से कुछ भी बात नहीं करना, और हमें पता चलता है कि ज़ाओ से पहले ये चांद दरअसल उसका बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर वो उससे भी झगड़ा करने लग जाती है, उसे जाने के लिए कहती है, पर ये चांद उसे पूछता है कि अरे कुछ तो हेल्प कर दो, और वो उसे बताता है कि दरअसल वो बॉडी अचानक से गायब हो गई और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। इसलिए इसकी बात सुनकर वहाँ पर वो हेल्प करने के लिए मान जाती है, पर वो उसे कहती है कि उसे अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं पता, पर जब भी पता चलेगा वो ज़रूर बता देगी। और अब जाते समय फिर ये चांद ज़ाओ को भी कॉल करता है और ज़ाओ कहता है कि चलो उसने कम से कम तुमसे बात तो किया, वरना मेरा तो उसने नाक ही तोड़ दिया वहाँ से भगाने में। और वो कहता है कि चलो वापस आ जाओ क्योंकि जिंग अभी कुछ भी तुम्हें और नहीं बताएगी। अब अगले दिन जिंग जब काम पर होती है तो उसका असिस्टेंट डोंग डोंग वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उसे कह रहा होता है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चिंता ना करे। पर वो कहती है कि देखो तो सारे लोगों ने बस मेरे बारे में एक्सीडेंट के बारे में लिख के रखा है, आज तो कभी मेरे एक्टिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा। वो यही सारी चीज़ों पे बात कर रही होती है तभी वहाँ पर जो सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस होती है जिसका नाम की जुआन होता है वो पहुँच जाती है, और उसके बॉडीगार्ड वहाँ पर डोंग डोंग को बाहर निकाल कर रूम का डोर भी लगा लेते हैं। और वहाँ पर कुछ जो एक्ट्रेसेस होती है वो बातें कर रही होती है कि इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं जमती और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमेशा जुआन हमेशा फर्स्ट लीड एक्ट्रेस होती है और हमेशा उसी तरीके से जिंग को सेकंड लीड ही मिलता है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पर हम रूम में देखते हैं कि वो दोनों तो दरअसल में बचपन के ही फ्रेंड होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ पर जुआन उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है कि इतना बार बार हमेशा जिंग के साथ में गलत ही होता है और अभी तो एक्सीडेंट भी हो गया, इतना भारी वाला एक्सीडेंट। वो उसे कहती है कि चलो मेरे टीचर के पास में, वहाँ पर उसके टीचर वहाँ पर कुंडली वगैरह देखा करते थे, वो भविष्य वगैरह सब देखते थे, इसलिए वो उनके पास में उसे लेकर जाती है। पर जिंग तो टीचर से बार बार उठपटांग क्वेश्चन करके उनका ही दिमाग ख़राब कर देती है, और वो तो अपने चेयर से भी गिर जाते हैं और उनका सर भी फूट जाता है। फिर वो कहते हैं कि इस लड़की को तो मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, इसके साथ में बहुत ही गड़बड़ है। पर वो ये भी कहते हैं कि वो जल्दी किसी एक अच्छे आदमी से मिल जाएगी जो कि शायद उसका कुछ भला कर देगा। इसलिए वो घर आकर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो अपने घर के बारे में लिख के डालती है कि बहुत ही कम प्राइस पर वो रूम में ढूंढ रही है, और इस वजह से लोगों को लगने लग जाता है कि ये फेक न्यूज़ है और कोई भी उसके पास में नहीं आता। पर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल क्यूलिंग वहाँ पर पहुँच जाता है, पर वहाँ पर जिंग उसे अंदर आने नहीं देती और डोर को बंद कर देती है। पर जब भी वो अपने रूम में आती है तो देखती है कि क्यूलिंग पहले से ही वहाँ होता है।
वो उसे पूछती है कि वो कैसे अंदर आ गया, तो क्यूलिंग बताता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो बताता है कि वो 400 साल पहले से ही जिंदा है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि उसे अपने मर्डरर को फाइंड करना है, इस वजह से वो उसकी हेल्प चाहता है क्योंकि उसके खून की वजह से वो जिंदा हुआ है। और ये सुन के अभी उसका दिमाग ही उड़ जाता है, जिंग को पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था, पर फिर क्यूलिंग उसे यकीन भी दिला देता है और जिंग मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है फिर तो अपने मर्डरर को ढूंढ लोगे, फिर यहाँ से चले जाना। जिंग इसलिए वजह से मानती है क्योंकि उसे पता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, क्यूलिंग यहाँ से जाने वाला तो है नहीं। इसलिए वो अब फ़ोन पे आके कुछ नुस्खे देखने लग जाती है कि किस तरह से वो उसे अपने घर से भगा सकती है। सबसे पहले तो वो कुछ नींबू मिर्च लेकर आती है और उससे कुछ कुछ उस पर करने लग जाती है, पर इसका कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ता। उसके बाद दोबारा वो एक बहुत ही पुरानी सी शॉर्ट लेकर आती है जिसपे कि कुछ मंत्र वगैरह लिख कर आती है कि उससे वो मार मार कर उसे भगा देगी, पर इससे भी कुछ नहीं होता और उसे ही चोट लग जाती है। उसके बाद तीसरी बार वो फिर से उसके पास में कुछ पानी और कुछ सॉल्ट वगैरह डालकर उसमें जाती है उसके ऊपर में डालने को, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाती, जिंग खुद ही गिर जाती है और खुद को ही चोट लगा लेती है, और इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं, वो बेचारा तो परेशान होता है जिंग की ऊटपटांग हरकतों से। वो अभी लाइब्रेरी वगैरह भी जाता है और हर जगह पता कर रहा होता है अपने बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किस तरीके से अपने मर्डर तक पहुँच सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ये चांद अपने प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। दरअसल उसके प्रोफेसर भी इसी सब्जेक्ट के बारे में काम कर रहे होते हैं और इसी बॉडी के बारे में भी, तो वो अपने प्रोफेसर से पूछता है कि आखिरकार वो गया कहाँ होगा, पर प्रोफेसर को भी इसके बारे में कुछ उतना नहीं पता होता है। दूसरी तरफ अब हम जुआन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े CEO के साथ में होती है। दरअसल होंग और जुआन दोनों की ही बहुत ही बड़ी कंपनी भी होती है और दोनों अपनी कंपनी को संभालने के लिए, उसके स्टॉक्स बढ़ाने के लिए बस नाटक कर रहे होते हैं कि उन दोनों की शादी होने वाली है और वो दोनों फियांस हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों साथ में डिनर करने के लिए भी जाते हैं। और दूसरी तरफ वही क्यूलिंग हमेशा की तरह फिर से लाइब्रेरी में जाकर कुछ कुछ पता कर रहा होता है। उसके बाद शाम को हम जिंग को देखते हैं जब वो शूट के बाद घर वापस आ रही थी, तो तभी रास्ते में उसे जाओ मिल जाता है। जाओ उसे अपनी गाड़ी देता है और कहता है कि स्कूटी पे जाना बंद करो क्योंकि उसकी गाड़ी तो एक्सीडेंट में ख़राब हो चुकी थी और इतना ज़्यादा हॉस्पिटल का भी बिल लग चुका था, इस वजह से जिंग अभी नई गाड़ी नहीं ले सकती थी। तो जाओ उसे अपनी गाड़ी दे देता और कहता है कि अभी इसी से कुछ समय के लिए चली जाओ। तो जिंग कहती है अच्छा मतलब तुम्हारा ब्रेकअप वाला गिफ्ट है, तो वो कहता है कि हाँ यही समझ लो। इसलिए जिंग को बुरा तो लगता है पर वो गुस्से में उसकी गाड़ी की चाबी ले लेती है और वहीं से आने लग जाती है। जब वो गाड़ी में बैठती है तो वो अपने दोनों के बारे में पहले के टाइम को याद करती है कि कैसे वो लोग हमेशा इतने खुश थे और अभी अचानक से जाओ कैसे उसे छोड़ सकता है। फिर जब वो घर आती है तो अगली सुबह डोंग डोंग भी उसके घर पर आता है, तो दरवाज़ा जैसे ही वहाँ पर क्यूलिंग खोलता है तो वहाँ पर डोंग डोंग को समझ नहीं आता। डोंग डोंग को लगता है कि कहीं फिर से इसका नया बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया, और वहाँ पर वो लोग जिंग और क्यूलिंग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, इस वजह से डोंग डोंग को लगता है कि पक्का ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हैं। फिर वहाँ पर वो जिंग से कहता है कि आज उसका एक बहुत ही अच्छा वाला ऑडिशन है एक बहुत ही बड़ी फिल्म के लिए, और अगर वो सेलेक्ट हो गई तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए वो उसे ऑडिशन के लिए लेकर जाता है जहाँ की वो बहुत ही गंदी एक्टिंग करती है, और वहाँ पर डायरेक्टर तो उसे बिल्कुल भी लेने वाले नहीं थे। पर जब वो बाहर आती है तो डोंग डोंग उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि अभी जुआन फिर से उसे सेकेंड लीड वाली पोजिशन तो दिलवा ही देगी। जुआन हमेशा इसी तरीके से जिंग की हेल्प करती थी, पर जिंग को वहाँ पर बुरा भी लगता है, पर फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती और आ जाती है। दूसरी तरफ जब वो घर आती है तभी उसे डोंग डोंग बताता है कि दरअसल वहाँ पर क्यूलिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, हर जगह क्यूलिंग के बारे में बातें हो रही है। जब वो लाइब्रेरी गया था तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसके वीडियोज़ बना रही होती है और उन्होंने नेट पे डाल दिया था, जिस वजह से कि अभी वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। सारे लोग कह रहे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और इस चीज़ के बारे में जानकर वो तुरंत ही उसे मना करती है। वहाँ पर वो क्यूलिंग को कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर तुम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे हर जगह तुम्हारी पिक्चर वगैरह आ जाएगी तो लोगों को तुम्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और अगर ये चांद या फिर जाओ में से किसी को पता चल गया कि तुम वही बॉडी हो तो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वहाँ पर वो कहती है कि वो उसके बारे में जानना भी चाहती है, तो अभी फाइनली इसे वहाँ पर वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। वो उसे सारी चीज़ें बताता है। वो बताता है कि अभी से लगभग 400 साल पहले जब वो कुछ 22-23 साल का हुआ करता था तो उस समय वो जंगल में गया था और वहाँ पे किसी अजीब से जानवर ने उस पर अटैक कर दिया था और इस वजह से उसे काफ़ी चोट भी लगी थी और एकदम उसका बचना नामुमकिन हो गया था। वो एकदम मरने मरने पर आ चुका था। तभी उसके फादर और मदर जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके लिए टेंशन ले रहे थे, उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया था और डॉक्टर उसे जहर देना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी इन सारी चीज़ों से वो बच नहीं पा रहा था और उसके बॉडी में किसी तरीके का जहर फैल गया था। इसलिए वो कहते हैं कि अभी जहर ही जहर को काटेगा, इसलिए वो उसे जहर देने लग जाते हैं धीरे धीरे धीरे, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो कहते हैं कि ये आखिरी रास्ता है, अगर इससे वो ठीक हो गया तो हो गया, वरना वो बिल्कुल कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज़ से सच में उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इस चीज़ से वो
ठीक होने लग जाता है, पर वो खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाता है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि इसे खाना डाइजेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, पर उन्हें लगता है कि शायद अभी वो जो जहर दे रहे होते हैं उसे, वो तो पानी की तरह होता है, एक जूस के फॉर्म में उसे दे रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो उन्हें लगता है कि शायद इस वजह से ये खाना नहीं खा रहा है। कुछ समय के बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर ये आराम से उसे खा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अभी वो बिल्कुल पानी वाली चीज़ें ही पी सकता है, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाता। और यहाँ तक कि अभी भी जब वो जिंक के साथ में रह रहा है तो वो अभी भी बस लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें ही खा पी सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत टाइम हो जाता है और अभी दरअसल वो ठीक भी हो गया था, पर जब वो शहर में घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर लोग बातें कर रहे होते, कोई भी उसके आसपास में बैठना नहीं चाहता। सारे लोग कह रहे होते कि ये तो मर चुका था और अचानक से ज़िंदा हो गया। सारे लोग बातें कर रहे होते पूरे शहर में कि इसे तो जहर दिया जाता था, इसलिए ये पक्का मॉन्स्टर बन चुका है। और यहाँ पर क्यूलिंग भी नोटिस करता है कि उसके पास में कुछ सुपर पावर्स आ चुके हैं। जो लोग काफ़ी दूर में बैठे उसके बारे में उठपटांग बातें कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी वो सुन पा रहा था। वो जब घर आता है तो डॉक्टर अचानक से, जब उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो वो उसके घर पे आते हैं और उसके हाथ को काट देते हैं। पर वहाँ पर सारे लोग होते हैं और सबके सामने में उसका हाथ अचानक से ठीक हो जाता है। उसे तो बिल्कुल चोट ही नहीं लग रही थी। डॉक्टर बार बार उसके हाथ को चाकू से काटते हैं, पर वो खुद ब खुद ठीक होते जा रहा था। इस वजह से डॉक्टर भी डर जाते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ वहाँ उनका जो नौकर था या फिर घर में काम करने वाले सारे लोग, वो सारे लोग भी उसके बारे में और ज़्यादा अफवाह फैला रहे थे। और इसी वजह से अभी राजा के कुछ सिपाही वहाँ पर पहुँच चुके थे उसके घर में आकर उसे मारने के लिए, और उसके पेरेंट्स को भी शायद वो लोग मार देते। इन सारी बातों को जानकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो चाहता नहीं था कि उसके पेरेंट्स को कुछ भी हो। इस वजह से वो अपने पापा और मम्मी को जाकर कहता है कि वो घर छोड़कर जा रहा है, और अगर वो सही सलामत ठीक रहा तो वो जल्दी ही उनसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। और क्यूलिंग घर छोड़कर चला जाता है। पर जब वो दूर जाता है तभी उसे दूर से अपने घर आग की लिपटों में घिरे हुए दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद राजा के सैनिकों ने उसके माँ बाप को भी मार दिया। इसे वहाँ पर क्यूलिंग को बहुत बुरा लगता है, पर वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी फिर जीना शुरू कर देता है। और अभी 400 साल बीत चुके थे, वो इसी तरीके से रह रहा था। वो सारी कहानी अभी वहाँ पर जिंक को सुना ही रहा था, पर फिर वो देखता है कि जिंक तो अभी सो चुकी है, इसलिए फिर वो उसे ज़्यादा चीज़ें नहीं कहता और सोने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे विलन को देखते हैं, जो इस ड्रामा का विलन होता है। उसने एक अजीब सी हुडी पहन के रखी थी, जिस वजह से उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिख रही होती है। वहाँ पर उसके साथ में काम करने वाला एक आदमी होता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि उसने एक पेंटिंग के बारे में अभी नेट पे डाल दिया, जिस वजह से कि जल्दी ही अभी उन सारी चीज़ों को देकर क्यूलिंग वापस आ जाएगा। और ये वही लोग थे जिसने कि शायद 100 साल पहले उसे मारकर समुंदर में डाला हुआ था। और ये अभी वहाँ पर अपने बॉस को, उस हुडी वाले इंसान को बता रहा होता है कि क्यूलिंग इसके बारे में नेट पर पढ़ भी चुका है और वो जल्दी आ रहा है, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं। वो कहता है कि वो अब जल्दी ही उसे ख़त्म कर देगा, इस बार वो उसे मारकर ही रहेगा। दूसरी तरफ अब हम घर पर जिंक को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह क्यूलिंग के रूम में जाते हैं और जाकर पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो दोनों जब पास में होते हैं तो उसका हार्ट बीट इतना ज़्यादा तेज़ क्यों हो जाता है। तभी वहाँ पर क्यूलिंग उठ जाता है। वो उसे बताता है कि दरअसल उन दोनों ने एक दूसरे को जिंदा किया है ना, एक दूसरे के खून की वजह से वो लोग जिंदा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितने तक के रेंज में हमारा हार्ट बीट धड़कता है अगर हम पास में होते हैं, इसलिए वो उसे दूर भेजती है। और उसे पता चलता है कि लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा में अगर वो दोनों में से कोई एक है तो दूसरे को पता चल जाएगा। लेकिन वो कहती है कि उसे अभी तक हार्ट बीट पता चल रहा है, इस वजह से वो उसे दूर भेजते 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 उसे बहुत दूर, लगभग 100 किलोमीटर आगे भेज देती है। उसके बाद वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उसने अभी वहाँ पर क्यूलिंग को भेज ही दिया। फिर वो घर आती है, पर जब वो घर आती है तो देखती है कि क्यूलिंग तो पहले से ही पहुँच चुका है, इसलिए वो परेशान हो जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उसे यहाँ से भेज ही नहीं सकती। फिर अभी वो एक्टिंग के लिए शूटिंग पर जाती है, जहाँ की जुआन भी होती है। वो लोग थोड़ी देर वहाँ पर बातें भी करते हैं, उसके बाद जुआन अपने शूट को करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आते हैं, जिन्हें कि ये पहचानती थी, क्योंकि ये चान और ये जब डेट कर रहे थे तो वो दरअसल हमेशा ही प्रोफेसर से मिला करती थी। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो उसके ब्लड सैंपल को लेना चाहते हैं, वो कुछ टेस्ट वगैरह करके देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर प्रोफेसर को कुछ डाउट हो रहा होता है कि पक्का ये किसी ना किसी तरीके से उस बॉडी के बारे में ज़रूर जानती है, पर यहाँ पर वो मना कर देती है, क्योंकि जिंक को पता होता है कि अगर शायद वो अपना ब्लड देगी तो क्यूलिंग के बारे में कुछ पता चल सकता है, इस वजह से वो मना कर देती है। उसके बाद वो अपने शूट पर चली जाती है। पर शूटिंग करते करते वहाँ पर एक सीन होता है जहाँ की उसे चाकू से अपने हाथ को काटना था। वो चाकू नकली नहीं बल्कि असली होता है, और यहाँ पर सच में जिंक का हाथ कट जाता है, जिससे कि शूट पर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। वो सारे लोग जल्दी से उसे लेकर जाते हैं, उसका बैंडेज वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पर सारे लोग उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर एक फ़ैन उसका आया हुआ था, जो कि उसके पिक्चर्स वगैरह ले रहा था, और उसके पास में कुछ चाकू वगैरह भी होता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि शायद वही है जिससे कि उसे हर्ट किया, और उसे पुलिस भी लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं और ये चान को देखते हैं, जो लोग के साथ में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जाओ के नाक से खून आने लग जाता है और वो वॉशरूम में चला जाता है।
ये चांद को लगता है कि शायद ये इतना ज़्यादा काम कर रहा है इस वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो बाहर में उसका वेट कर रहा होता है। तभी जुआन वहाँ पर आती है तो सारे लोग भीड़ लगाकर वहाँ पर जुआन से ऑटोग्राफ लेने लग जाते हैं, उसे बातें करने लग जाते हैं। पर वो जाते जाते अचानक से उसका हील एक गड्ढे में चला जाता है और वो लोगों के सामने में अगर अपने हील को निकालती तो एम्बैरेस्ड फील करती, इसलिए वहाँ पर एक गाड़ी पर ही वो खड़ी हो जाती है और सारे लोगों के सामने में बातें करने लग जाती है। और वो गाड़ी यहाँ पर ये चांद का होता है, इसलिए वो आके सीधे कहता है कि बाहर जाए यहाँ से, और वो बेचारी की बेइज्जती करवाने लग जाता है। पर उसे समझ आ जाता है कि शायद इसका हील वहाँ पे फंस गया है, इसलिए फिर वो उसकी और ज़्यादा बेइज्जती नहीं कराता। और सारे लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तब वो उस पर हंसने लग जाता है। पर यहाँ पर जुआन को काफ़ी गुस्सा आता है, तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। तो जुआन जाओ से कहती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और ये चांद तो बस उसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। उसके बाद फिर हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही पुराने से घर पर पहुँच जाता है, जहाँ की उसे अभी उस पिक्चर के बारे में जानने के लिए जाना था। पर वो जब वहाँ जाता है तो वो लिफ्ट में ही बंद हो जाता है, और लिफ्ट में अचानक से बहुत ही ठंडी ठंडी सी गैस आने लग जाती है, जिस वजह से कि वो वहाँ पे जमने लग जाता है। और वो अगर बहुत ज़्यादा ठंड वाला इलाका या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुद को वीक फील कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर वहाँ पर वही विलन देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है कि जब इसके पावर्स ख़त्म हो जाएंगे इस ठंड की वजह से तो वो उसे बाहर निकालेगा, और इस बार वो मेक श्योर करेगा कि ये कभी भी वापस ना आ पाए, वो उसे ख़त्म कर ही रहेगा। अब हम घर पर देखते हैं, जब जिंग घर पर जाती है तो वो देखती है कि क्यूलिंग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। वो हर जगह उसे ढूंढती भी है पर क्यूलिंग वहाँ पर कहीं पर भी नहीं होता, इसलिए वो सो जाती है। पर थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुलती है और अभी तक वो कहीं पर भी नहीं था, इसलिए वो अब घबरा जाती है और वो उसे ढूंढने का सोचती है, इसलिए वो बाहर जाने का सोचती है। तभी उसे याद आता है कि शायद वो जहाँ पर शूट कर रही थी उसने वहाँ पर उसे फील भी किया था, इसलिए वो वहाँ पर जाती है। और तभी उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि वो वहीं पर एक बिल्डिंग में है। वो जब अंदर जाती है तो हर जगह वहाँ पर क्यूलिंग को खोज रही होती है पर क्यूलिंग कहीं पर भी नहीं होता। तभी अचानक से उसे लिफ्ट में से आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि क्यूलिंग यहीं पर ही है। वो लिफ्ट को बहुत खोलने की कोशिश कर रही होती है, किसी तरीके से वहाँ से क्यूलिंग को निकालने की भी कोशिश कर रही होती है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही होती है। वो चिल्लाकर उसे आवाज़ भी दे रही होती है कि तुम्हारे पास तो इतनी ज़्यादा सुपर पावर है, खोल लो ना, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।